वेलकम बैक दोस्तों, आपके हमारे चैनल टेक शोमी में दोबारा से स्वागत है। और आज का अपना वीडियो होगा ओप्पो का जो K1 लॉन्च हुआ है इंडिया में, उसके ऊपर कि आपको कितना क्या प्राइस देना पड़ रहा है और क्या क्या आपको उसमें फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपका आज हमारे वीडियो में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपको K1 में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और आपको वो फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस टाइम। तो फ्रेंड्स, आज उसमें आपको जो कैमरा है ओप्पो का पता ही होगा आपको, कैमरा आपको अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको उसमें 25 मेगापिक्सल का AI का कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रंट कैमरा, और जो बैक कैमरे है आपको वो 60+5 मेगापिक्सल कैमरे हैं। मुझे फ्रेंड ऐसा लगता है कि उसके बैक कैमरे में थोड़ा कमी रखी गई है, उसमें 20 मेगापिक्सल किया जाए, 5 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है उसको अलग करके उससे मतलब स्टार्टिंग में किया जाता तो वो अच्छा होता। चलो कोई नहीं, जो हमें ओप्पो प्रोवाइड कर रहा है वो ठीक है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका जो बैटरी बैकअप है वो 3600 mAh का। तो फ्रेंड्स, इस अगर 18,000 में आप ले रहे हैं तो आपको 3600 mAh का बैटरी मिल रहा है, तो आपको मतलब कोई अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही। बैटरी बैकअप आज के टाइम आपको 8,500 रुपये में भी फास्ट 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, जो कि फ़ोन में बैटरी बैकअप का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मतलब फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर से डिपेंड करता है कि कैसा क्या आपको बैटरी बैकअप मिले, लेकिन इतना छोटा एमएच इतनी ज़्यादा रुपये देके आप इतनी छोटी बैटरी मिल रही है फ़ोन में तो आप मतलब अच्छा नहीं है। चलो कोई नहीं, इस बात को छोड़िए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक प्लस पॉइंट तो मिलता है, उसमें आपको ओप्पो की तरफ से सुपर वुक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसमें आपको टाइप सी नहीं मिलेगा, आपको माइक्रो USB मिलेगा। लेकिन उसमें भी आपको क्या कहते हैं फास्ट चार्जिंग ओप्पो का जो अपना वुक चार्ज उसका सपोर्ट मिल रहा है, तो चलो ये अच्छा बात है। बैटरी मतलब आपका 1 घंटे से भी कम टाइम में फुल चार्ज हो जाएगा। और एक और फीचर्स नया ऐड हुआ है उसमें कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। आपको मतलब 17,000 की वैल्यू में आज के टाइम कोई भी फ़ोन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड कर ही नहीं रहा। जिस प्रकार से हमें ओप्पो ने हमें 17,000 रुपये में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ला के दिया है, चलो ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई। और उसमें आपको बस यही 4GB और 64GB का वेरियंट मिलेगा। आपको इससे ना कोई छोटा वेरियंट मिलेगा ना इससे बड़ा, आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल ये आपको वेरियंट मिलेगा। इसके अलावा कोई वेरियंट ओप्पो ने नहीं निकाला है, आगे का पता नहीं आगे लॉन्च कर दिया जाए या किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इसके ऊपर ही है कि उसमें जो 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 16+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसमें जो 6.4 इंच का आपको एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, वो भी अच्छा स्क्रीन है। मतलब जैसे सैमसंग का स्क्रीन मिलता है, मतलब उसके कंपेयर में आप कंपेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 17-18 हज़ार रुपये हैं तो आप थोड़ा वेट करिए या इसको रहने दीजिए। इसमें प्रोसेस भी अच्छा नहीं मिलता आपको, स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेस मिलता है। कि मैं आपको कहूँगा, इस फ़ोन को आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए वाटर ड्रॉप के लिए क्यों लेंगे आप, इससे अच्छा तो आप ओप्पो F1 ले सकते हैं जो आपको स्नैपड्रैगन 845 दे रहा है, वो 19,000 से कम चल रहा है। आप 2-3 हज़ार का कोई क्रेडिट कार्ड रखते हो उसमें आपको 17,000 रुपये या 16,000 मिल जाएगा। इससे अच्छा आपको पेपर ले सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओप्पो का फोन ले, लेकिन अगर आप ओप्पो फैन हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे बताना था आपसे जो आपकी राय रहेगी, जो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा फोन अच्छा लगा ओप्पो का और K1 या क्या कहते हैं ओप्पो का एप्पल। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको आगे भी हमारी वीडियो देख चुके हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।